हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमारे चूजे हैं ना यहाँ पे, बस हम इस तरह से करते हैं रात में, क्योंकि यार यहाँ पे हमने बल्ब भी इस तरह से कर दिया है जिससे यार इनको है ना अच्छी हीट मिले प्रॉपर, और यहाँ पे डब्बे में रख दिया है, आसपास से हवा लगती नहीं होगी और गर्मी भी अच्छे से मिलती रहेगी। तो ये है ना, अब अच्छे से बड़े हो जाएंगे और इनमें बीमारी आने का खतरा भी कम हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हमें ना बाहर खोलना है, अभी छत पर खोलना है। हम इन्हें है ना छत पर इसलिए खोलते हैं अभी क्योंकि 12 बजे के बाद जब हमारी मुर्गी खुलती है ना, तो जब हम क्या करते हैं, हमारी डक्स को अंदर कर देते हैं और हमारी सारी मुर्गियों को चूज़ों को बाहर कर देते हैं। अयन गेट खोलना है वाला आराम से, जब मैं क्यों लगा देना, पूरा खोल दो अभी, खोल दो 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 खोल दो, चिड़िया ना निकल जाए, चिड़िया ना निकल जाए। चलो ये बढ़िया रहा, यहाँ पर अब हमारे चूज़ें हम कर देते हैं बाहर। चलो 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 बाहर। ये देखिए दोस्तों, हमने हमारे साथ चार चूज़े हैं ना कलरफुल यहाँ पर छोड़ दिए हैं, और मुर्गी देखिए मारने के लिए आ गई है। चलो यहाँ पे है ना, मुर्गी कुछ नहीं कहती इतना पैसे इनसे, तो यहाँ पे आप डब्बे को हम साइड कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमारे सारे चूजे हैं ना यहाँ पे दाना माना खा रहे हैं, और ये मुर्गी है ना इन्हें परेशान कर रही है, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। और इसके बच्चे यहाँ पे घूमते रहते हैं इसके साथ, माशाल्लाह यार ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और एक बच्चा इससे अलग घूमता रहता है पता नहीं क्यों। और यहाँ पे देखिए सबको मारने के लिए जाती है, लेकिन ये है ना पिंजरे के अंदर रहते हैं, ये है ना ऐसी घूमती रहती है बाहर, इसे है ना बंद बंद नहीं करते हैं, बस ये अपनी मर्जी से जहाँ जाना इसे फंस ली जाती है और अपने बच्चों को बिठा लेती है, बच्चों को गर्मी ये खुद ही दे देती है वैसे भी, तो इसको है ना हम ऐसे ही घूमने देते हैं दिन भर। दोस्तों यहाँ से है ना हमारा बनी है ना यहाँ पे पिंजरे के अंदर बंद रहता है, जब से है ना इसकी हनी ने बच्चे दिए हैं हमें से बाहर नहीं खुलते हैं, क्योंकि यार अगर इसने है ना मीटिंग कर ली तो फ्री है ना फिर से बच्चे दे देगी जल्दी से जल्दी, इसलिए हम सोच रहे हैं अब इसके है ना बच्चे थोड़े छोटे हैं, थोड़े दिन और हम साथ में नहीं छोड़ेंगे इसे, और फिर बाद में साथ में छोड़ने लगेंगे, लेकिन अभी तो वो पिंजरे में बंद है और वहाँ पर घास खा रही है। तो जब तक हम सोच रहे हैं यार हमारे बनी को है ना हम क्या करते हैं बाहर छोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसे खोलते हैं और यहाँ से आ जाओ बनी, यहाँ पर अब तुम हो आज़ाद, चलो बाहर घूमो। जब तक हम यहाँ पिंजरे को कर देते हैं इसके लॉक, ये देखिए इतने बड़े घर में ये अकेला खुद घूमता रहता है बढ़िया मज़े से। और यहाँ पे देखिए, अब ये है ना दाने में झपटा है, दाने ही खाएगा मुझे पता था, यहाँ पे थोड़े बहुत गेहूँ के दाने पड़े हैं तो वो खा रहा है यहाँ पे ये आराम से। और यहाँ पे दोस्तों हमारे असील को है ना हमने टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोरिक आता है ना टेट्रासाइक्लिन दिया था हमने, और दिया था विमरोल, तो हमने ये मिक्स करके उन्हें मल्टीविटामिन दिए ना और एंटीबायोटिक्स थोड़े थोड़े, तो है ना उसको है ना थोड़ा ठीक लग रहा है अब, मुझे लग रहा है यार वो सही हो जाएगा, उसके मुंह पे सूजन भी कम थी थोड़ी सी, और हमने लहसुन की कलियाँ भी दी थी जो आपने बोली थी, और एक गोली थी वो और हम खिला देंगे लाकर, जो आपने कमेंट की मैंने अभी है ना देखी नहीं है वो कौन सी गोली है, तो वो गोली भी देख के हम लेके उसे खिला देंगे, तो हमारा असील बिल्कुल ठीक हो जाएगा फिर। और बाकी अभी यहाँ के है ना हमने परिंदों को, अंदर वाले परिंदों को देखिए, हमने बजीस को भी दाना रखा हुआ है यहाँ पूरा, हमारे तोते मोते सबने दाना खाया हुआ है, फिंचेस का दाना फुल कर दिया है हमने पहले ही कर दिया था, और बाकी मास्टर केज में सब दाना पानी हम कंप्लीट कर देते हैं सुबह आके, और बाकी यहाँ पे भी हमने पानी वानी नया भरा हुआ है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं यार हम कबूतरों के पास, और कबूतरों के घर के पास चल के मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों तो हम आ चुके हैं हमारे कबूतरों के घर के पास, और अब यहाँ से है ना हम शीट को पकड़ लेते हैं क्योंकि यार सुबह हो चुकी है, ये तो सिर्फ रात के लिए डालते हैं हम। और अब मैं आपको दिखाऊँगा वो चीज़ जो मैं आपको दिखाने की बोल रहा था, तो वो चीज़ मैं आपको पहले मुँह से बोल के बता देता हूँ। दोस्तों वो चीज़ ये है कि यार जो हमारे लखे कबूतर, शिराजी कबूतर, सेंटीनेट कबूतर, ये सब है ना माशाल्लाह यार मस्ती पे भी आ गए हैं, मीटिंग करने लगे हैं, और ये हुआ है जो हमने दवा अप्लाई थी ना उसका नतीजा है ये। तो अभी मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ करके जो हम रोज़ करवाते हैं इनका, मतलब हमें ना एक ट्रिक भी आजमा रहा है इसके, इसमें हम क्या करते हैं यार दोस्तों, हमारे सारे जितने भी कबूतर हैं उनको बंद रखे रहने देते हैं, और हमारे सिर्फ फैंसी फैंसी कबूतरों को, जैसा कि अभी हम खोलने वाले हैं, तो यहाँ से आया एक काम करो तुम अंदर जाओ आराम से, जाओ जल्दी या मैं जाऊँ अंदर, दोनों चलो चलो इसे हटाओ। देखिए हमारा बादल यहीं पे बैठा है, ये देखिए कबूतर हमारे बाहर निकल जाते हैं दोस्तों, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम अंदर, अयान गेट लगाओ यार जल्दी से, पहले यहाँ पे दोस्तों ये लग गया गेट, चलो हाँ अब अपन एक नहीं एक काम करो, तो मैं ना गेट को खोल के रखो, हाथ से पकड़ के रखो अकेला, मैं कबूतर खोलूँगा और खोलता जाऊँगा। तो दोस्तों देखिए हमारे ये लखे कबूतर है, ये शिराजी कबूतर है, तो इनको हम क्या करते हैं यार ऐसे ही बाहर छोड़ते हैं, मतलब इन सारे कबूतरों को खत्म बाहर नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे है ना शिराजी कबूतर, सेंटीनेट कबूतर यहाँ पे बैठे हैं हमारे, देखिए तो हम क्या करते हैं यार इनको जल्दी से अब आराम से हम क्या करते हैं एक एक करके बाहर छोड़ूंगा मैं। अयान तुमसे मैं जैसे बोलूँ गेट खोलना, तो खड़े हो जाओ, एक काम करो बादल को हटा दो अभी, बादल को वैसे ही बाहर नहीं छोड़ना, चलो बादल उधर। यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी हम खोल देते हैं ये पेटी, और यहाँ से हम पकड़ते हैं लक्की फीमेल को, ये देखिए लक्की फीमेल पकड़ ली छोड़ दी, यहाँ पे हमने हमारा लखा कबूतर मेल पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया लगा दो गेट। अब यहाँ पे शिराजी की बारी है, तो यहाँ पे अब हम शिराजी कबूतर को पकड़ेंगे, शिराजी कबूतर को पकड़ा और छोड़ दिया, शिराजी की फीमेल को पकड़ा और छोड़ दिया। अब बारी आती है हमारे जो कि सेंटीनेट कबूतर की, तो सेंटीनेट कबूतर को जल्दी से मैं क्या करता हूँ इसी तरह से जल्दी से बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये है मेल कबूतर, तो इसको मेल को निकाल दिया बाहर, और ये है फीमेल,
और इसको निकाल दिया हमने बाहर। तो यहाँ पे है ना, बस इन्हीं इनको निकाला, आ जाओ। चलो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे है ना आपको एक मैजिक देखने के लिए मिलेगा, अगर वो आज भी हुआ तो। देखिए यहाँ पे हमने वैसे छोड़ तो दिया है सबको यहाँ से बाहर, अब यहाँ पे इनके इंतज़ार करना है मीटिंग करने का। यहाँ पे चोच मुझ बुलाएंगे, ये मस्ती पे आएंगे अभी देखना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी कवर कर देते हैं हमारे कबूतरों को। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने हमारे कबूतर कवर कर दिए। बाकी अब ये दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये चोच मुझ बुलाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इन्हें दाना डाल देते हैं। ये दोस्तों ट्रिक होती है, मैं आपको ही बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने दाना डाल दिया है, बस इतना सा, जिससे ये कबूतर यहाँ पर दाना वाना खा सकें। तो ये देखिए यहाँ पर बढ़िया, ये अपना दाना वाना खा रहा है ये। अभी ये दाना ख़त्म कर लेंगे ना, उसके बाद देखिएगा ये चोंच मुंच मिलाने पे आएंगे और फिर ये है ना मीटिंग करेंगे, फिर ये प्रॉपर क्रॉस मरोस करेंगे और फिर ये देखते हैं आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो अभी इनको दाना खाएं देते हैं जब तक। दोस्तों यहाँ पे देखिए यार, शिराजी कबूतर है ना यहाँ पे मस्ती पे आ चुका है और यहाँ पे देखिए चोंच मुंच मिलाने लगे हैं। यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे शिराजी कबूतर है ना बिल्कुल फुल मस्ती पे आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे देखते हैं बाकी कौन कौन से, यहाँ पे लखा कबूतर भी है ना यहाँ पे मीटिंग करेगा लगता है मुझे। वहाँ पे शिराजी कबूतर को देखिए आप तो साफ, वो देखिए वहाँ पर उन्होंने चोच मिला लिया और ये है ना पेयर 100% कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो अब देखते हैं आइए मीटिंग करते हैं या नहीं। ये देखिए आपको नज़र तो आ रहा होगा शिराजी कबूतर, और यहाँ पे देखिए ये क्या यार, ये देखिए मीटिंग करने लगे यार ये। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना इन्होंने मीटिंग कर ली है माशाल्लाह। ये देखिए उड़ गया शिराजी कबूतर, तो अब मीटिंग हो चुकी है हमारे शिराजी कबूतर की और इनका जोड़ा है ना बिल्कुल कंफर्म हो चुका है यहाँ पे। अब आती है हमारी बारी लखे कबूतर की शायद। अभी है ना हमारे सेंटीनेट कबूतर ने यार मीटिंग ही नहीं की यार, लेकिन देखिए आपको दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको लाइव आज। तो देखते हैं अभी यहाँ पे आपको देख, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें लगता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए यार हमारे लखा कबूतर की भी है ना यहाँ पे मीटिंग हो गई है यहाँ पे। ये देखिए अब पता नहीं यार अंडे इनके फर्टिलाइज होंगे या नहीं होंगे, देखते हैं यार। अभी अंडे दे दें पहले। तो दोस्तों अभी हमारे सारे हैं ना यहाँ पे जितने फैंसी कबूतर हैं, यहाँ पे 6 कबूतर हैं यहाँ पे, मतलब 3 जोड़े सेंटिनेट, शिराजी और यहाँ पे लखे, तीनों ने है ना यहाँ पे मीटिंग कर ली है अपनी। और यहाँ पे ऐसा ये है ना 3 दिन हो चुके हैं करते करते यहाँ पे। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर से करने लगे हैं ये हमारे सामने ही। ये देखिए चोंच मिला रहे हैं अभी। तो दोस्तों आपको अब ये बताना है कि यार ये कितने दिन में यार ये अंडे रख देंगे, इनने है ना मीटिंग सब कर ली है। अभी ये देखते हैं चोंच मिला रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे सामने ही चल रहा है काम तो इनका सब कुछ। तो यहाँ पे है ना डर मार बिल्कुल भी नहीं रहा है अब। तो हम पहले सोच रहे थे इनका जोड़ा लगा नहीं है, लेकिन अब है ना इनका जोड़ा परफेक्ट वाला है, बिल्कुल प्रॉपर जोड़ा लग चुका है और लखों का भी यार लग चुका है। अब दोस्तों आपको बताना ये है कि अन्य है ना प्रॉपर मीटिंग कर ली है और ये 3 दिन से यार मीटिंग हो रही है पूरी। तो आपको ये बताना है कि ये अंडे कब दे देंगे अब। तो 3 दिन हो चुके हैं दोस्तों मीटिंग करते हुए ने, तो अब ये अंडे कब देंगे और हमें इन्हें नेस्टिंग मटेरियल कब देना चाहिए ये आप बता दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर है ना, अरे यार ये क्या हुआ यहाँ पे है ना, अभी अनसक्सेसफुल रही। तब देखते हैं, अरे यार नहीं हुई मीटिंग, अनफर्टिलाइज्ड एग ना दे दे यार ये। चलो एक बार तो हो गई दोस्तों, कुछ नहीं होता, एक बार हो गई थी। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे है ना सारे कबूतर भी यहाँ पे हैं, इन्हें मीटिंग जो करना थी कर ली है इनने। तो अब हम क्या करते हैं हमारे कबूतर को, बाकी कबूतर को खोलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों हमने यहाँ से हमारे सारे कबूतर खोल दिए, यहाँ पे देखिए ये बाहर आने लगे हैं जल्दी से। और कुछ कबूतर देखिए ये उड़ गए यहाँ पे हमारे, और यहाँ पे इनकी मीटिंग तो हो गई। दोस्तों अभी आपको ये बताना है कि हमें नेस्टिंग मटेरियल दें आज या ना दें। मैं तो सोच रहा हूँ यार आज है ना हम नेस्टिंग मटेरियल ना दें, और आप बता दीजिएगा दोस्तों ऐसे दौड़ाने लगा ये शिराजी, मतलब शिराजी बोल रहा हूँ सेंटीनेट कबूतर, देखिए अब किस तरह से पीछे लगेगा। अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा है ये, लेकिन अभी है दौड़ा रहा था ये। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ यार अभी है ना हम सफाई कर लेते हैं, और अगर आप बोलेंगे कल मल है ना मेरे नेस्टिंग मटेरियल भी दे देंगे। देखिए कितना गंदा हो रखा है यार यहाँ पे, बहुत गंदा हो गया है अब है। तो हम क्या करते हैं जल्दी से पूरा है ना ये साफ़ कर लेते हैं हमारा लॉफ्ट पिजन लॉफ्ट। और यहाँ से देखिए दौड़ाने लगा, इस तरह से दौड़ा रहा है। अब आप बताना है, आपको बताना है कि आइए हम इनको नेस्टिंग मटेरियल दें या ना दें, और ये है ना अंडे कब तक रख देंगे ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जल्दी से, देखिए झाड़ू मारू लेके आ चुका है आयान, झाड़ू ले आया आयान, हाँ ले आया। चलो यहाँ पे हम दोस्तों जिसके करते हैं हमारे पिजन हाउस की है ना सफाई कर लेते हैं अब। तो दोस्तों यहाँ से हमने हमारे पिजन हाउस की है ना सफाई कर ली, और यहाँ पे देखिए इतना सारा कचरा निकला है यहाँ पे।
ये है ना हमारे पिजन हाउस के अंदर से निकला है फर्श में से और पेटियों में से। तो यहाँ पे देखिए पेटियाँ हमने क्लीन कर ली है यहाँ पे, बस जिसके अंडे रखे हैं उनके अकेले नहीं करी, और बच्चे मच्छे वाली सब हमने क्लीन कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सब है ना हमारे पिजन हाउस क्लीन हो गया है, तो जल्दी से हम कचरा वचरा फेंकते हैं और कबूतरों को बंद करते हैं फिर। दोस्तों यहाँ से हमारे सारे पिजन हाउस की है ना सफाई है ना पूरी हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा है ना हमारे पिजन हाउस साफ हो चुका है, और कचरा मैंने आपको दिखाई दिया कितना निकला था इसके अंदर। और बाकी ये है ना कबूतर, आप बताइएगा ये अंडे कब तक दे देंगे। देखिए ये हमारे शिराजी कबूतर अंदर आपको दिख रहा होगा जो कि पेटी में बैठा हुआ है, लखा कबूतर, और यहाँ पे हमारा सेंटीनेट कबूतर, ये है ना अंडे कब तक दे देंगे ये आपको कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना है मुझे। देखिए किस तरह से कर रहे हैं यहाँ ये, इन्हें मीटिंग मीटिंग तो कर ली है। ये देखिए आपने लखे को देखा हो किस तरह से आए है ना, बिल्कुल साफ की तरह करता है ये बिल्कुल। और दोस्तों हमारे साथ है ना एक बहुत गलत काम हो गया था अभी, जो कि यार क्या हुआ था अरशान, चील ने हमला कर दिया था। हाँ दोस्तों चील ने है ना ये हमला कर दिया, और हमारे सारे कबूतर बाहर थे और मैं सफाई कर रहा था, तो ये काफ़ी गलत काम था। और हमारे सेंटीनेट कबूतर, ब्लैक सेंटीनेट कबूतर, ब्लैक शील्ड वाला, वो भी नीचे कर गया था खच्चे में, ये तो हमें दिख गया था, लेकिन हमें एक बटरफ्लाई सेंटीनेट दिखी भी नहीं थी यार, कहाँ गई हमारी। फिर बड़ी मुश्किल से यार अरशान ने देखा वो कहाँ पर पड़ी है, वहाँ उधर प्लाट में पड़ी थी, वहाँ पर देखा हमने आके फिर पकड़ के लेके आए, तो काफ़ी मसला हो गया दोस्तों। और अभी है ना हमारे कबूतर यहाँ पर आ चुके हैं सारे के सारे, तो हमने यहाँ पर बंद भी कर दिए हैं, और यहाँ पर देखिए सारे के सारे कबूतर बिल्कुल अच्छे हैं, और यहाँ पर हमने दाना पानी सब कुछ कर दिया है कंप्लीट। बस यार यही था आज का ब्लॉग, मिलते हैं किसी नए दूसरे पेट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।